बैग भी आदमी सब नहीं आ रहे कहीं से, गर्मी से दुकान भी डाउन चल रहा है, नहीं चल रहा है। सुविधा अनुसार निकलना चाहिए, जैसे कि कैब छाता वगैरह, अगर पैदल जा रहे हैं तो छाता जरूर ले ले और पानी भी रख ले साथ में, क्योंकि लू भी काफी चल रही है। गर्मी के चक्कर में जहाँ ठंडा मिलता है वहाँ जहाँ जाता है मार्केट डाउन हो गया। नमस्कार, मैं मणिभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। मुजफ्फरपुर में गर्मी का प्रकोप जारी है, हीट वेव जो है लगातार जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसको लेकर अब जिला प्रशासन जो है वह अलर्ट मोड में आ गई है। लोगों का घर से निकलना जो है वह मुश्किल हो रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि सड़कों पर आदमी जो है वह नजर नहीं आते हैं। सुबह 9 बजे के बाद घर से निकलना लोगों का मुश्किल हो जा रहा है। तमाम जो राहत गर्मी से राहत देने वाली सामग्री है वहाँ लोग जो है धूप से बचने के लिए बैठते हैं, वहाँ जो है लोग सत्तू जूस इत्यादि का सेवन कर फिर आगे बढ़ते हैं। लगातार गर्मी का प्रकोप जारी है, ऐसे में दुकानदार हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या कुछ लगता है, गर्मी काफी है? बहुत काफी है गर्मी, और गरीब के लिए तो कुछ भी नहीं है कर रहे हैं सरकार, खाली बोलने के लिए। हाँ, घर से निकलने के लिए मुश्किल हो गया है, काफी गर्मी। हाँ, बहुत गर्मी है, बैग भी आदमी सब नहीं आ रहे कहीं से, गर्मी से दुकान भी डाउन चल रहा है, दुकान भी चल रहा है। अभी बाहर निकलेगी तब ना से। लगातार सुन रहे हैं कि गर्मी से लोगों का बाहर निकलना जो है वह मुश्किल हो रहा है। गिने चुने लोग जो है जिनको अति आवश्यक काम है वह घर से बाहर निकल रहे हैं, और वो गर्मी को देखते हुए सत्तू की दुकान, जूस की दुकान पर लोग छाँव में जो है वहाँ बैठते हैं। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जगह जगह सत्तू जूस और जो गर्मी से बचने की जो सामग्री है उसका दुकान लगाया गया है, जहाँ लोग बैठ के उसका सेवन कर रहे हैं और फिर अपने गंतव्य के लिए रवाना हो रहे हैं। एक मैडम है, उनसे बात करेंगे। गर्मी काफ़ी बढ़ गई है। जी, गर्मी काफ़ी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। 9 बजे ही 36 डिग्री टेम्परेचर रहता है, तो धूप से राहत पाने के लिए लोगों को अपने सुविधा अनुसार निकलना चाहिए, जैसे कि कैब छाता वगैरह, अगर पैदल जा रहे हैं तो छाता जरूर ले ले और पानी भी रख ले साथ में, क्योंकि लू भी काफ़ी चल रही है। गर्मी सुबह से ही जो है, सुबह से ही बहुत ज़्यादा। हाँ, सुबह से ही राहत नहीं है, थोड़ा भी राहत नहीं है। गिने चुने लोग जो है वही सड़कों पर। हाँ, जब ज्यादा जरूरी इमरजेंसी काम हो तभी लोग निकल रहे हैं, ऐसे लोग घर में रह रहे हैं। जी, तो आपने सुना कि बहुत जरूरी काम है तभी लोग घर से निकल रहे हैं, नहीं तो लोग घर में ही रहना ज्यादा उचित समझते हैं। सत्तू दुकानदार है, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ कह रहा है? बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी है सर, पब्लिक करने में नहीं करती है, इतना गर्मी है कि धूपा के चक्कर में पब्लिक नहीं करती है, कामों अटे तो घर में रह जाती है, मजबूरी पर ही करती है। सुबह 9 बजे से ही काफी गर्मी का प्रकोप बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा। सुबह में 8 बजे तो गर्मी हो जाती है सर, इसलिए पब्लिक नहीं कर पाती है। दोपहर में क्या कुछ पहुँचते हैं तो नहीं सर, दोपहर में इतना गर्मी के चक्कर में जहाँ ठंडा मिलता है वहाँ आदमी जहाँ जाता है, मार्केट डाउन हो गया हुआ है। मार्केट डाउन हो गया, डाउन हो गया गर्मी के कारण। गर्मी के कारण सत्तू दुकानदार थे, जिनका कहना था कि गर्मी के कारण यहाँ तक जो है लोग नहीं आते हैं, दोपहर में लोग सड़क पर नजर नहीं आते हैं, जिस कारण कहीं ना कहीं दुकान भी प्रभावित हो रही है। हम आगे चलते हैं, जूस की दुकान है वहाँ पे, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। बाबा है एक हमारे साथ खड़ा। बाबा, बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी है। गर्मी में कहाँ निकले हैं? आए हैं हमारे कचहरी में काम से, काम करने के लिए। सुबह 9 बजे से ही काफी गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी है। रोड पर निकलना लोगों का मुश्किल मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल। कहाँ से आए हैं? मीनापुर से। मीनापुर से काफी दूर से आए हैं। जरूरी काम होगा तभी। जरूरी है, जरूरी काम है, इसलिए आए। नहीं आते धूप में तो मुझे आता है कि देह में आग लग। मतलब जरूरी काम नहीं हो तो घर से बाहर नहीं नहीं करना है। हाँ, ऐसे ही करते, जरूरी से आए हैं, घर से नहीं करते। जरूरी काम नहीं हो तो घर से बाहर नहीं निकले, बड़े बुजुर्ग के जो है वह सलाह है कि अगर जरूरत नहीं हो तो घर से बाहर नहीं निकले। लगातार वेव हेड का प्रकोप जो है वह जारी है, गर्मी जो है लगातार परवान चढ़ रही है, लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में जूस वाले हमारे साथ, क्या कहेंगे? काफी गर्मी चल रही है। गर्मी चल रहा है, जूस की बिक्री भी ठीक है। जूस का बिक्री ठीक है। दोपहर में कितने ग्राहक पहुंच रहे हैं? दोपहर में तो समझिए कि मेले लेकर लगा रहता है, समझिए कि 250 आते हैं और पीछे के आदमी का। गर्मी के रोड पर जो है लोग नहीं, बहुत कम, लेकिन बहुत गर्मी पे लेके रौदा के लेकिन बहुत कम निकलते हैं। शाम के समय में 4 बजे के बाद आदमी पहुंच पाते हैं। तो बिक्री ठीक ठाक चल रहा है, मिला जुला के ठीक है।
आपने सुना कि लगातार उमस भरी गर्मी के कारण लोगों का सड़कों पर निकलना जो है वह मुश्किल हो रहा है। लोग जो है गर्मी के कारण घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जरूरी काम होने पर ही बाहर निकल रहे हैं। वही आपको बता दें कि लगातार बढ़ते गर्मी के बाद मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है, तमाम लोगों को लेकर जागरूकता अभियान चला रहे हो और जिला प्रशासन कह रही है कि अगर अति आवश्यक काम हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा धूप में घर से बाहर नहीं निकले, नहीं तो धूप में आपकी भी तबीयत खराब हो सकती है। वही आपको न्यूज फाउंडेशन की टीम लगातार आपसे निवेदन करती है कि अगर अति आवश्यक काम हो तो घर से बाहर निकले, अन्यथा अपने घर में ही रहना ज्यादा उचित होगा। मुजफ्फरपुर से न्यूज फाउंडेशन के लिए मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।